दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसमें दोस्तों अगर आप पिछले 5 साल में सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश किए होते तो आज के डेट में वो बढ़ के 4 गुना यानी कि 4 लाख रुपए हो गया होता दोस्तों, यानी कि आपको मिलता 400% का रिटर्न, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 साल में दोस्तों। अब इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर आप सिर्फ 500 रुपये से अपना SIP का स्टार्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड को दोस्तों लोगों ने 5 स्टार का रेटिंग दिया है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रेटिंग माना जाता है। यहाँ की फंड साइज की बात करें तो 12,600 करोड़ रुपए यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, और इस पैसे को लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों वो ज़्यादातर मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि मिड कैप कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है दोस्तों। अब बात करें मिड कैप के बारे में ही क्यों हम सबको आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप इस ग्राफ से इसको देख सकते हैं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो लार्ज कैप है दोस्तों वो पिछले 10 साल में 4.1x का रिटर्न दिया है, मिड कैप सबसे ज़्यादा यानी कि 7.7x का रिटर्न, और जो स्मॉल कैप है दोस्तों वो 6.4x का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जैसे कि 10 साल 15 साल तो मिड कैप सबसे बेस्ट माना गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जिस मिड कैप फंड के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो चलिए इस वीडियो से हम इस फंड को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे स्क्रीन में हम आ गए हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये इक्विटी के कैटेगरी में आती है, ये मिड कैप है और ये थोड़ा सा रिस्की फंड है दोस्तों। अब रिस्की का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपका पैसा डूब जाएगा, पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू रिटर्न मिल सकता है, पर अगर लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल 20 साल तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है दोस्तों इस फंड पर। अब इस फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका NAV अभी चल रहा है 109.35, SIP सिर्फ 500 रुपए का है, रेटिंग 5 स्टार का मिला है और फंड साइज लगभग 12,600 करोड़ का है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 टाइम हमने चूज कर लिया है। मान लीजिए आप यहाँ पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते तो 1 साल में दोस्तों यही 1 लाख रुपये आपका बढ़ के हो गया दोस्तों 1,64,850, यानी कि सिर्फ 1 साल में 64% का रिटर्न। 3 साल में दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया होता 2 लाख लगभग 70,000 के आसपास, यानी कि सिर्फ 3 साल में आपका पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया होता दोस्तों। और अगर 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज के डेट में आपके पास होता 4,34,626 रुपीज़, यानी कि सिर्फ 5 साल में आपको 4 गुना से भी ज़्यादा पैसे का रिटर्न मिलता। जो भी आप अपने बैंक में फिक्स डिपोजिट करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ 2 गुना होने में 10 साल लग जाता है, यहाँ पर सिर्फ 5 साल में दोस्तों आपका पैसा 4 गुना हो रहा है दोस्तों। बात करें इस फंड के होल्डिंग की कि आपका यहाँ पे अगर आप निवेश करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आप यहाँ पे अब लिस्ट दे सकते हैं जियो फाइनेंस सर्विस, वोडाफोन, जोमाटो, ये जितने भी अच्छे अच्छे मिड कैप कंपनी हैं दोस्तों सब यहाँ पे इसके लिस्ट में हैं। ये फाइनेंस सेक्टर, कम्युनिकेशन सर्विस, ऑटोमोबाइल, इन सब सेक्टर में दोस्तों यहाँ पर निवेश करता है दोस्तों। यहाँ पर बात करें दोस्तों इसके PE रेशियो की, तो PE रेशियो 62.39 है जो कि थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, पर पी रेशियो के हिसाब से इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अब बताएं दोस्तों इसके रिटर्न एंड रैंकिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंड का रिटर्न है पिछले 1 साल में 64.8%, पर इसी कैटेगरी का जो एवरेज है दोस्तों वो 50.6% का है। पिछले 3 साल में इसका रिटर्न 39.2 है, पर एवरेज रिटर्न दोस्तों 24 है। और आप कहीं पर भी देख सकते हैं 5 साल के डाटा कंपेयर करें या फिर 1 साल 3 साल 5 साल किसी भी डाटा में कंपेयर करें तो अपने कैटेगरी के एवरेज से ये हमेशा ऊपर ही चल रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों। इसी तरह के अगर कुछ और फंड की बात करें तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड मिड कैप फंड है, SDFC मिड कैप फंड, निपन इंडिया ग्रोथ फंड, कोटक एमरजेंसी इक्विटी फंड, ये सारे के सारे फंड के बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.59% है जो कि एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो है।
अब दोस्तों एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, यहाँ पे आप जितना भी पैसा इस फंड में निवेश करेंगे उसका 0.59% आपका रिडक्शन हो जाएगा। ये दोस्तों फंड जो आपका पैसा है वो फंड मैनेजर अपने पास रख लेगा ताकि इस फंड को मेंटेन करने के लिए उनकी सैलरी वगैरह यहाँ से उनको दिया जाता है। दोस्तों एग्जिट लोड आपका 1% आता है, यानी कि अगर आप निवेश के एक साल के अंदर इस फंड से एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जिट लोड गिर जाता है। एक साल के बाद अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं गिरता है। दोस्तों बात करें टैक्स की तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 15% का टैक्स गिर जाता है। दोस्तों एक साल के बाद अगर आपको यहाँ पे विड्रॉ करना होगा तो LTC यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स आपको गिरता है 10%। वो भी कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आपका यहाँ पे सालाना इनकम 1 लाख या फिर 1 लाख से ज़्यादा है तभी आपको ये वाला टैक्स गिरेगा 10%, नहीं तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों तो मिड कैप के कैटेगरी में ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। दोस्तों इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो इस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।